वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 17 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 17 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें और वीडियो की PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में से क्विज के 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार देश का नेतृत्व किया है? तो इसमें आंसर आएगा 3 बार। वे पहली बार साल 1996 में 16 मई से 1 जून तक और दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI 2.0 लॉन्च की है। UPI 2.0 का पूरा नाम क्या है? तो UPI का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस 2.0। और हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत भुगतान तंत्र यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया है। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उर्जित पटेल और NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के इनोवेशन के सलाहकार हैं नंदन नीलेकणी और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत के पहले अनुवांशिक बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, इस बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया और इसका उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक में फॉल आर्मी वार्म नामक कीट के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है, यह कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो इसमें आंसर आएगा, फॉल आर्मी वार्म कीट मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्री क्या कहलाएंगे? तो इसमें आंसर आएगा, व्योमनौट। व्योमनौट संस्कृत की मदद से बनाया हुआ एक शब्द है और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जैसे अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्री का कोई प्रोफेशनल स्पेस ट्रैवलर है तो हम उसे कहेंगे एस्ट्रोनॉट, जो आपका ऑप्शन ए है। और अगर रशियन अंतरिक्ष यात्री है तो हम उसे एस्ट्रोनॉट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कॉस्मोनॉट। और यूरी गागरिन जो स्पेस में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो थे कॉस्मोनॉट, यानी वो रशिया कंट्री से बिलोंग करते थे। और इसी तरह चीन ने भी अलग शब्द बनाया ताइकोनॉट, जो आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य की सरकार ने रेतु बीमा और कांति वेलुगु योजना की शुरुआत की है? तो इसमें आंसर आएगा, तेलंगाना सरकार ने। और कांति वेलुगु के तहत राज्य की पूरी 3.7 करोड़ की आबादी को मुफ्त आंखों की देखभाल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और वहीं रेतु बीमा का मकसद हर किसान को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करना है और यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इन योजनाओं की शुरुआत की। आपको ये भी याद रखना है कि कांति वेलुगु योजना किससे संबंधित है, रेतु बीमा योजना किससे संबंधित है, पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तराई रोड परियोजना के लिए नेपाल को 470 मिलियन नेपाली रुपये का अनुदान किया है? तो इसमें आंसर आएगा, भारत ने। नेपाल में भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन मंत्रालय सचिव मधुसूदन अधिकारों को नेपाल में काठमांडू में चेक प्रदान किया। और वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विंध्या देवी भंडारी और वहीं नेपाली सेना के प्रमुख कमांडर भी है और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी नियंत्रित नहीं है? आयुष की फुल फॉर्म है, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो इसमें आपके ऑप्शन ABC करेक्ट है, यानी आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी
आयुष मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एलोपैथी इस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित नहीं है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीय योजना शुरू की है, और इसका मुख्य उद्देश्य है आयुष की दवाओं के फायदे के साथ ही इसके दुष्प्रभावों का लिखित रिकॉर्ड भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा फतेह मोबिन नामक मिसाइल को लॉन्च किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा फतेह मोबिन मिसाइल ईरान द्वारा लॉन्च की गई है, और यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर क्रिकेट टेस्ट सीरीज में भारत को पहली बार जीत दिलाने वाले पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर का निधन कब हुआ? तो इसमें आंसर आएगा 15 अगस्त 2018 को, और अजीत वाडेकर का जन्म 1 अप्रैल 1941 को बॉम्बे में हुआ था। वाडेकर ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए 1966 से 1974 तक क्रिकेट खेला, और वे भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं, और अजीत वाडेकर को भारत सरकार ने उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 1967 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा था, और फिर 1972 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने किन 3 हवाई अड्डों के नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी, बरेली, कानपुर और आगरा हवाई अड्डे का। बरेली हवाई अड्डे का नाम नाथ नगरी करने का प्रस्ताव दिया है, वहीं कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम का प्रस्ताव दिया है, और वहीं आगरा हवाई अड्डे का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया गया है। और हाल ही में यूपी सरकार के प्रस्ताव पर 150 साल पुराने मुगलसराय जंक्शन का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किन बलों में महिलाओं को पुरुषों के समान स्थायी कमीशन देने का ऐलान किया है? तो इसमें आंसर आएगा सशस्त्र बलों में, और वर्तमान में सेना में महिलाएं सिर्फ जज, एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कोर में ही परमानेंट कमीशन की हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड्स के मैदान में 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए, जेम्स एंडरसन। एंडरसन किसी एक मैदान पर क्रिकेट टेस्ट में विकेटों का सैकड़ा पूरा करने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन से पहले मुथैया मुरलीधरन ने यह उपलब्धि हासिल की थी, और उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 मैदानों पर यह अद्भुत कारनामा किया था। और मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर 166 विकेट लिए हैं, और श्रीलंका के कैंडी ग्राउंड पर 117, और श्रीलंका के गोल क्रिकेट ग्राउंड पर 111 विकेट लिए हैं। वहीं एंडरसन दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने किसी एक मैदान पर अपने 100 विकेट पूरे किए हैं। अगर आपसे स्पेशल तेज गेंदबाज का नाम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा 2017 YE5 क्या है? तो इसमें आंसर आएगा यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए जुड़वा शुद्र ग्रह का नाम है। नासा द्वारा दुनिया की 3 बड़ी रेडियो टेलीस्कोप की सहायता से 2017 YE5 का अवलोकन किया गया है। यह 2 शुद्र ग्रह जो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। शुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, और यह अपने आकार में ग्रह से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर कितने प्रतिशत हिस्से पर चेतावनी वाली तस्वीर छापना अनिवार्य रूप से जारी रखने के लिए कहा है? तो इसमें आंसर आएगा 85% हिस्से पर। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद की शपथ किसने ली? आपके ऑप्शन है सैयद अता हुसैन, कुमानम राजशेखरन, आनंदीबेन पटेल और जगदीश मुखी। क्विज के लिए सेकंड क्वेश्चन है, निहाल सरीन किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है चेस, बैडमिंटन, टेनिस और बॉक्सिंग, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक
अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।